दोस्तों अगर आप भी शुभमन गिल को एक शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अपने शतक से चूके शुभमन गिल तो भावुक हो गई सारा तेंदुलकर और उनकी बहन शाहनील गिल, फिर किया कुछ ऐसा जीत लिया दिल सभी का। तो आखिर क्या थी यह घटना जब एक और माइलस्टोन के बेहद करीब पहुंचकर चूके शुभमन, और क्या था इस नाकामी पर सारा और शाहनील का दिलों को छू लेने वाला रिएक्शन, सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों टॉस जीतकर लखनऊ ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन शुभमन गिल से पार पाना लखनऊ के बस की बात नहीं हुई। पहले उन्होंने रिद्धिमान साह के साथ मिलकर अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाई और 142 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप कर ली, तो फिर रिद्धिमान के आउट होने के बाद जहां उन्होंने हार्दिक के साथ अच्छी पारी खेली, तो फिर अंत तक नाबाद रहते हुए यह खिलाड़ी डेविड मिलर के साथ भी अपनी टीम को 20 ओवरों में 227 रनों तक ले गया और अपने बल्ले से उन्होंने लखनऊ को खून के आंसू रुला दिए। जी हाँ, आपको बता दें शुभमन गिल ने तो लखनऊ के गेंदबाजों का करियर तबाह करने की ठान ली थी और चौके से ज्यादा छक्कों की बारिश करते हुए इस खिलाड़ी ने एक नया इतिहास लिखा। दोस्तों इस खिलाड़ी ने अंत तक नाबाद रहते हुए केवल 51 गेंदों पर 7 छक्कों और 2 चौकों की बदौलत 94 रनों की तूफानी पारी खेली। हालांकि वह अंतिम ओवर में अपने शतक से चूक गए। इसके बाद तो जहां पूरा स्टेडियम थोड़ा निराश और परेशान था, तो वहीं उनकी बहन शाहनील और गर्लफ्रेंड सारा तेंदुलकर भी बेहद निराश और उदास हो गई थी। उनका दिल टूट चुका था, लेकिन दोस्तों उसके बावजूद उन्होंने खड़े होकर शुभमन के लिए तालियां बजाई और उनकी पारी के सम्मान को कई गुना बढ़ा दिया। जब शुभमन गिल वापस जा रहे थे तब यह दोनों भी उनके लिए बेहद खुश नजर आ रही थी। यह सब देखकर तो वहां मौजूद फैंस की खुशियों का ठिकाना नहीं था, वहीं पूरा स्टेडियम शुभमन गिल के लिए तालियां बजा रहा था। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या गिल ऑरेंज कैप अपने नाम करेंगे, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।